नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में 11 कुंड अंचलाधिकारी अमृता कुमारी के निर्देशानुसार शनिवार को कुमार धुबी ओपी के प्राइवेट वाहन से बाजार में यह अनाउंसमेंट कराया गया कि 16 जनवरी दिन रविवार से कुमार धुबी बाजार में लगने वाला सब्जी बाजार चिरकुंडा सरसा पहाड़ी स्थित श्रम कल्याण केंद्र के ग्राउंड में लगाया जाएगा। साथ ही सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य है। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर प्रशासन द्वारा लिए गए इस फैसले से कुमार धुबी सब्जी बाजार के दुकानदार काफी नाराज है। उन लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा सब्जी बाजार के स्थानांतरण का फैसला उचित नहीं है। प्रशासन के लोगों को दुकानदारों के साथ वार्ता करके कोई फैसला लेना चाहिए था। श्रम कल्याण केंद्र में दुकान लगाने की कोई भी सुविधा नहीं है। वहां दुकान लगाने के लिए प्रत्येक दुकानदार को लगभग 10,000 का अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा, जो उन लोगों के लिए संभव नहीं है। वह लोग एक दिन सब्जी बेचते हैं तो दूसरे दिन उसी पैसे से सब्जी की खरीदारी करते हैं। ऐसा होने से उन लोगों के सामने भुखमरी की समस्या आ जाएगी। प्रशासन द्वारा सूचित किया गया कि कुमार धुबी बाजार को हटाकर श्रम कल्याण केंद्र में किया जाएगा, लेकिन कोई भी प्रशासन हम लोग के साथ में बैठ के डिसीजन नहीं ली और प्रशासन बोल दी कि आप लोगों को श्रम कल्याण केंद्र में शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो हम लोग बैठते हैं वहाँ पर दुकानदारी करेंगे। हम लोग रोज कमाते खाते हैं। 10,000-15,000 का छोनी बनाकर वहाँ पर आना हम लोग के लिए संभव नहीं है। ठंडा के दिन है, इसलिए प्रशासन से हम लोग का ये अनुरोध है कि आप कुमार धुबी बाजार में ही हम लोग को एडजस्ट करें, कम कम जगह देकर दुकान यहाँ पर लगवा। बिना सूचना के हम लोग को बोला जा रहा गया है कि श्रम कल्याण केंद्र में लगाना। हम लोग वहाँ से सब उधार सब्जी लाए हैं और वो हम लोग का बिका नहीं। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अब ऐसा स्थिति में हम लोग वहाँ कैसे जाए? हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन से भैया कि यहाँ पर हम लोग को लगा दिया है, जितना कोरोना का गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, मास्क पहनेंगे, बिना मास्क वालों को सब्जी नहीं देंगे। यही सब आपसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग को दिया जाए यहीं पर। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ठंडा है, उस ठंड में भीड़ में कैसे हम लोग सब्जी बेचेंगे? आप ही बताइए। प्रशासन से अनुरोध है हम लोग को यहीं दीजिए जगह कि हम लोग यहीं बेचें। हम लोग कोरोना का जितना भी गाइडलाइन है जो सरकार हम लोग को दी है, हम लोग जरूर फॉलो करेंगे और सबसे बोलेंगे कि इसको फॉलो करने।